हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो कि टैली के ऊपर आधारित है, हमारे एक स्टूडेंट हैं सूरज यादव, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम अगर हम प्रिंट करते हैं तो वो कैसे आएगा, इसके बारे में बताएं। तो आज हम सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम वाला ही कैसे एक्टिवेट करते हैं, यही चीज देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आप मौजूद हैं, ठीक है। आपको कीबोर्ड से F11 की फंक्शन बटन F11 प्रेस करना है, ठीक है। कब प्रेस करना है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाएगी, जहां से आप GST इनेबल करते हैं स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाकर ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है, यहां पर जाइए एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर इनवॉइसिंग फीचर के अंतर्गत आपको मिलेगा यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, आप इसको यस कर देंगे, ठीक है। यहां पर जाकर के वाई प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहां पे कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट करा लिया, अब यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए परचेस वाउचर में एक दो एंट्रीज हम बना लेते हैं। जैसे हम अभी परचेस वाउचर में जाने वाले हैं तो ये परचेस वाउचर है, F9 प्रेस कर सकते हैं या क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिलीवरी चालान नंबर 900, ठीक है। 900 नंबर का डिलीवरी चालान नंबर है हमारा, ठीक है, और एंटर प्रेस किया हमने। यहां पर डेटर पार्टी का लेजर नहीं आएगा, क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, तो लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद एंटर प्रेस करके यहां नीचे आएंगे, यहां पर एड्रेस डाल सकते हैं, ये एड्रेस डाल दिया हमने, जीएसटी इनेबल पहले से कर रखा है मैंने इसमें। तो यहां पर हम अलग स्टेट में माल सप्लाई करने वाला एंट्री देखेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब परचेज का भी लेजर हमने पहले से बना रखा है तो ये ले लिया। अब यहां पर कोई आइटम हमें परचेज करना है, ठीक है, यानी स्टॉक आइटम बनाना है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये भी सवाल बहुत आते हैं कि स्टॉक आइटम हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां से हम स्टॉक आइटम ले लेंगे। अब जो भी स्टॉक आइटम आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए हेडफोन, ये हेडफोन जो है यहां पर ले लिया हमने, और यहां पर आइटम मैंने बना रखा है, यहां से आइटम ले लेते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, अगर आप इस पे अलग से जीएसटी देना चाहते हैं जो कि आपने इनेबल करते वक्त दी थी उससे अलग जीएसटी देना चाहते हैं तो यहां से यस प्रेस करके और यहां पर जीएसटी का जो भी डिटेल है उसको फिल कर सकते हैं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराऊंगा, एक्सेप्ट कराया। अब यहां पर क्वांटिटी आ रही है, 50 हेडफोन हम ले रहे हैं यहां पे, ठीक है, एक हेडफोन की कीमत आ रही है ₹340। एंटर प्रेस किया, यहां पर देखिए सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम आ गया है, ठीक है। यहां पर डिस्काउंट मान लीजिए 1.2% का डिस्काउंट, ये परसेंट में लगेगा, तो देखिए यहां पे माइनस हो गया। इसके पहले देखिए क्या था, यहां पर हमने जीरो प्रेस किया तो यहां पे ₹17,000 इसकी कीमत आ रही है, ठीक है। अब अगर हम डिस्काउंट लगा देते हैं तो क्या होगा, जैसे 1.2% का डिस्काउंट लगाया था हमने, अब देखिए घट करके ₹16,796 रह गया, ठीक है। तो ये सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम। अब मान लीजिए जो दूसरा स्टॉक आइटम हम बना रहे हैं वो है हैंड वॉश का, तो यहां लिखा हमने हैंड वॉश, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और यहां पर आइटम रख लेते हैं और यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहां पर हैंड वॉश के जो पैकेट है वो 15 पैकेट हम परचेस कर रहे हैं और एक पैकेट की कीमत है ₹12, इसके हिसाब से यहाँ टोटल आ गया। अब इस पर डिस्काउंट लगाते हैं तो डिस्काउंट इस पर लगाएंगे 0.50%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ₹180 अभी है, अभी डिस्काउंट लगाते ही ₹179.10 आ चुका है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम डिस्काउंट लगा सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर एक और स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जैसे कि इस बार हम बनाएंगे मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड। एंटर प्रेस किया और यहां पर जो है हम मदरबोर्ड जो लिया हमने यहां पर इसमें सेपरेट डिस्काउंट देंगे, ठीक है, सॉरी सेपरेट इस पे जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। वाई प्रेस किया, यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं ये मदरबोर्ड ही है तो यहां पर लिख देता हूं मदरबोर्ड, लिख दिया। इसका HSN कोड जो भी हो यहां पर डाल दीजिएगा, फिलहाल मैं डमी डाल रहा हूं। एंटर प्रेस किया, ऑन वैल्यू रखेंगे और यहां पर टैक्सेबल रखेंगे ताकि जीएसटी लगाते वक्त यहाँ पे टैक्स रेट आ सके। तो यहाँ पर जो टैक्स रेट है वो 17.5% का टैक्स रेट लगाया हमने और यहाँ पर देख सकते हैं आप 8.75 के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो गया। ये एंटर प्रेस किया,
गुड्स रखेंगे यहाँ पे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी अब एक्सेप्ट कराएंगे। मदरबोर्ड हमने चार खरीदे हैं, एक की कीमत पड़ रही है हमें 3,400 रुपए, ये लगा दिया हमने। और यहाँ पर इसमें भी डिस्काउंट देंगे तो इसमें जो डिस्काउंट है वो 2.5% का डिस्काउंट है, तो यहाँ 2.5% के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया हमने। अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी लगाना है वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सीजीएसटी, तो सीजीएसटी का लेजर पहले से एप्लीकेबल है हमारे पास, देखिए यहाँ पे सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। अब यहाँ पर एसजीएसटी लगाना चाहते हैं तो एसजीएसटी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अगर राज्य के बाहर माल बेचेंगे तो आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है, और राज्य में माल बेचेंगे तो क्या लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पे अब एसजीएसटी लगा लेते हैं, एस प्रेस करता हूं तो एसजीएसटी का तो लेजर हमने बनाया नहीं, तो यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस करके एसजीएसटी का लेजर बना लेते हैं। एसजीएसटी एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत ये जाएगा, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया हमने, यहाँ पे जीएसटी रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां से हम स्टेट टैक्स रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर नॉर्मल राउंडिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रखूंगा ताकि 3 पॉइंट तक डेसिमल में ये नंबर ले सके, एंटर प्रेस करके, और इसको अब एक्सेप्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर बराबर कैलकुलेट होकर आ चुका है और डिस्काउंट भी हमारा कैलकुलेट हो रहा है। इसको न्यू रेफरेंस रखेंगे। और अगर आप ड्यू डेट में क्रेडिट पीरियड देना चाहते हो, जैसे कि सपोज कीजिए कि 3 दिन का क्रेडिट पीरियड हम दे रहे हैं, 3 दिन यानी कि जिस डेट पे आपने परचेस किया उस डेट से 3 दिन तक आपने अगर ये बिल नहीं चुकाया तो आपसे हम ब्याज वसूलेंगे, तो आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं रखते, एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने, ठीक है। अब इसका पेमेंट हम जब करेंगे तो पेमेंट कहां से करेंगे, तो पेमेंट करने का तरीका मैंने कई बार बताया है आपको, यहां से हम पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे F5 प्रेस करके। डेबिट किसको करेंगे, जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है उसी को डेबिट करेंगे। यहां से क्रेडिटर पार्टी ले लिया, बैलेंस शो हो रहा है 15,31,431.10 रुपए बैलेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे 15,31,000 यहाँ पे हम डाल देते हैं, 15,31,000 ही हम डाल देते हैं और ये जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस में, ठीक है। तो यहां पर डिलीवरी चालान नंबर 900 पहले हम इसको पेमेंट करेंगे, ये ले लिया हमने। अगर आप चाहते हैं कि और भी पेमेंट करें तो यहां से अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिए, ये दूसरा बिल भी पेमेंट कर डालिए, ठीक है, और तीसरा बिल भी बचा हुआ है तो वो भी पेमेंट आप चाहे तो कर सकते हैं, यहां से ले लीजिए। ये हो गया आपका पूरा बिल पेमेंट, ठीक है, हो गया। इन सब में से आपने बिल पेमेंट कर दिया, थोड़ा ही पैसा आपके पास बच गया है। अब यहां पे क्रेडिट किसको करेंगे, तो मान लीजिए हम कैश दे रहे हैं तो यहां से कैश ले लिया हमने, ठीक है। यहां पे करंट बैलेंस देखिए आपका माइनस में शो कर रहा है, माइनस में शो करने का कारण क्या है कि हमारे पास कैश उपलब्ध नहीं है और हम इनको पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर देख सकते हैं आप 431.10 रुपए बस बचे हुए हैं, यानी कि अब इनके ऊपर जो हमारी बकाया राशि है, यानी कि क्रेडिटर पार्टी जो है इसकी बकाया राशि मात्र 431 रुपए रह गई है, ठीक है। चलिए इसमें पहले हम कंपनी में अपने पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां से रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं, 15,31,431 रुपए, 15,31,431 रुपए ये पूरा हमने डाल दिया इस बार, एंटर प्रेस किया, अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, ठीक है। पहले हम जो करंट का बिल है, करंट का बिल हम पहले लेंगे, ठीक है। तो यहां से एंटर प्रेस करता हूं, करंट का बिल हमने ले लिया, एंटर प्रेस किया। अब फिर दूसरा वाला बिल, अगर आप चाहते हैं दूसरा वाला बिल लेना तो यहां से अगेंस्ट रेफरेंस करिए और यहां से ये दूसरा वाला बिल जो है 678 नंबर का ये ले लेते हैं, ले लिया, इसको भी पेमेंट कर दिया। अब तीसरा वाला बिल, बस एक बिल बच गया है, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर ये सारे पैसे हम कैश में चुका रहे हैं, अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू चेक के थ्रू देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 20 रुपए, ठीक है, तो इसको और भी हम इसमें पैसा डाल लेते हैं, जैसे यहां पर जाकर के रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करके यहां पर आ जाएंगे और कैपिटल अकाउंट यहां पर करेंगे और सॉरी यहां से अकाउंटिंग वाउचर में गए और यहां से रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करके आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट ले लेंगे और इस बार हम 80,00,000 रुपए डाल लेते हैं कंपनी में और अब कैश रखेंगे, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे। अब हमको पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, पेमेंट वाउचर में चलते हैं यहां से और यहां पे सीधा सीधा रितेश क्रेडिटर आ गए।
जितना भी 15,31,431 रुपए, 15,31,431 रुपए 10 पैसे जो भी हमारा पेमेंट है पूरा पूरा हम चुका देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, सबसे पहले जो करंट का बिल है उसको हम देंगे, फिर दूसरा वाला बिल जो कि 678 नंबर का है वो ले लेते हैं, और फिर लास्ट वाला जो है उसको भी ले लेते हैं। ये पूरा बिल हम चुका रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ से कैश ले लेते हैं, ले लिया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी रेड में बैलेंस शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे इस वजह से ये रेड में शो कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि ये भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि ये रेड में शो करता है तो इसका हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चलिए ये कर लिया हमने, ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। इस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं, इसी तरह से हम सेल्स में भी दे सकते हैं। कैसे देंगे आइए देख लेते हैं। यहां से अब हमें F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर के लिए, यहां पर रेफरेंस नंबर दे देंगे 677 नंबर का रेफरेंस नंबर है। यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, ये जो डेटर पार्टी है इसका लेजर आ जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर आएगा एड्रेस, तो यहां पे जो पार्टी है वो है भोपाल की, तो यहां पे डेटर पार्टी भोपाल की है, ये कर दिया हमने, और ये MP में है तो MP यानी कि इंटर स्टेट है ये। ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहां सेल्स का लेजर आ गया। अब यहां पर चीजों को हमें सेल करना है, तो क्या क्या चीजें हम सेल कर सकते हैं, जैसे कि हमने मदरबोर्ड लिया था तो मदरबोर्ड के 4 आइटम मौजूद हैं और हम 2 आइटम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और एक मदरबोर्ड की कीमत हम लगा रहे हैं 7,000 रुपए, यानी कि 7,000 रुपए में हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी ने कहा कि कुछ डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 2.2% का इस पर डिस्काउंट लगा देते हैं, तो ये कम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडफोन ले लेते हैं। ठीक है, हेडफोन पर भी हम डिस्काउंट देके दिखाएंगे। ये देखिए हेडफोन जो है उसके हम 16 आइटम बेच रहे हैं। ठीक है, और एक हेडफोन की कीमत है 1200 रुपए, इसके हिसाब से हम बेच रहे हैं, और इस पर भी हम डिस्काउंट दे देते हैं, इस पर 2.5% का डिस्काउंट दे देते हैं, दे दिया। अब फिर नेक्स्ट जो है हैंड वॉश है, तो हैंड वॉश पे भी डिस्काउंट हम देने वाले हैं, तो यहाँ हैंड वॉश ले लिया, 15 पैकेट है हैंड वॉश के, 15 में से 14 पैकेट हम सेल कर रहे हैं, और इस पर इसकी जो कीमत हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 45 रुपए। ठीक है, और इस पर भी डिस्काउंट देंगे हम, इस पर 5% का डिस्काउंट है, तो 598 रुपए का ये हो गया। ठीक है, यहां पर अब हमें टैक्स लगाना है, चूंकि इंटरेस्ट रेट का मामला है तो आईजीएसटी का लेजर तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पर लिखिए IGST, लगा लिया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे ये GST है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स आएगा। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे ताकि 3 अंकों तक दशमलव में ये ले सके, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए IGST लग चुका है, जब IGST लगता है तो ना तो CGST लगाने की जरूरत है ना तो SGST। ठीक है, एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी, तो ये हमारा न्यू रेफरेंस है, तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये इस तरह से हमने इसकी भी एंट्री पूरी कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि हम किस तरह से एंट्री बना रहे हैं। अब डिस्काउंट जो हमने दिया है उसको प्रिंट करने की बारी है, तो 2 बार डी प्रेस कीजिए, और इस बार हम आएंगे कहाँ, सेल्स में, प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अब टैली हमसे इसको सेव करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे, यहां से डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्काउंट के नाम से इसे सेव कर रहा हूं। ठीक है, और ये डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूं, तो यहां से डेस्कटॉप पे हमने कर लिया इसको सेव। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं डिस्काउंट नाम से आया हुआ है। ठीक है, अब इस पर डबल क्लिक करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं अलग से डिस्काउंट यहां पे शो हो रहा है, आप देख लीजिए इंटीग्रेटेड टैक्स और सारी चीजें यहां पर अलग से भी शो हो रही हैं, HSN कोड भी अलग से शो हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये सारा काम कैसे हो रहा है और कैसे हम इंटर स्टेट भी कर सकते हैं और इंटर स्टेट भी कैसे कर सकते हैं, सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।